दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस सीएस फाउंडेशन की एंटरप्रेन्योरशिप की टॉपिक जो हमने स्टार्ट की थी, जिसका लेवल वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, स्पेशल 20 पॉइंट्स आना रह गए हैं बाकी। आज हम कर रहे हैं पार्ट टू के बारे में। गाइस कल हमने पार्ट वन में सीखा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मैंने आपको बताया स्पेशल प्रीडोमिनेंटली मैं इस बुक से वर्क कर रहा हूँ, बट आपके लिए क्लास 12th में अगर है, 11th में है, बीकॉम बीबीए किसी में भी है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करूंगा सीएस फाउंडेशन के लिए स्पेशली करूंगा, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन अवेलेबल कराने हैं तो मैं आपको प्रोवाइड फर्दर कर दूंगा। तो गाइस कल हमने टॉपिक पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप का और आज हम पढ़ रहे हैं गाइस एंटरप्रेन्योर का। तो मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि कल वाली चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तो आपको आज वाली चीज़ें बहुत सरल लगेंगी। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा अब तक पार्ट वन, वो वीडियो देखे उसके बाद आए, 20 मिनट का सिर्फ वीडियो है और आपको यहाँ पर जो भी समय लगेगा वो बहुत प्रोडक्टिव आपका टाइम जो है वो इन्वेस्ट होगा। तो गाइज आज हम बात करने वाले एंटरप्रेन्योर की, सिर्फ कहानी क्या बदलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्टिविटी है, मतलब एक संवाद समझना, जिस तरीके से इंजीनियरिंग करना एक एक्टिविटी और जो बंदा इंजीनियरिंग करता है उसे इंजीनियरिंग कहलाया इंजीनियर कहलाया जाता है, जिस तरीके से डॉक्टरी करना एक एक्टिविटी एक फंक्शन है एक उसी तरीके से क्रिया है और उस जो पर्सन उसको फॉलो करता है उसको जो करता है वो डॉक्टर कहलाया जाता है। तो सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्टिविटी एक प्रोसेस है, जो पर्सन उसे करेगा उसे कहा जाएगा एंटरप्रेन्योर, मतलब वो जो अंकल दुकान पर बैठे हुए हैं, वो जो अंकल मैनेज कर रहे हैं दुकान को, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। वो सारी बातें एंटरप्रेन्योरशिप की मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि भाई जब इंजीनियर इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के फंक्शन बताता है, डॉक्टर डॉक्टरी करके डॉक्टर के फंक्शन बताता है, कंडक्टर कंडक्टरी करके कंडक्टर के फंक्शन बताता है, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर की कहानी एंटरप्रेन्योरशिप से बिलोंग होगी नहीं होगी। तो हमने पहला टॉपिक रखा था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसको भर भर के हमने पढ़ा था, उसमें से दो तीन चार चीज़ें रिवाइज करनी है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या है चार चीज़ें, मुझे तो याद है आपको भी याद होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव फंक्शन, विजन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो टॉपिक पुराना था, आज वाले में उनसे चीज़ें लिंक होंगी और वो अगेन आपके सामने आएंगी। इसके अलावा कहानी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस की तरह लगता है, वो क्यों लगता है, क्योंकि गाइस दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव रहता है। इसका पहली चीज अपॉर्चुनिटी बेस्ड रहती है, मतलब ये कुछ नया फाइंड आउट कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहता है। तो फटाफट से देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं, मैंने पूरे टॉपिक्स को तीन पार्ट में और चार पार्ट में डाला है। तीन से चार का क्या मतलब है गाइस, यहां जो भी चीजें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यही सारी चीजें आपको यहां 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 दिखाई देंगी और जो भी इसमें है वो सब एंटरप्रेन्योरशिप जैसा होगा, इसलिए हम एंटरप्रेन्योर का जो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सर कितनी सरल बात है, पहला पॉइंट यूं ही समझ में आ गया, वो जो पर्सन है जो परफॉर्म करेगा फंक्शन को एंटरप्रेन्योरशिप को उसे एंटरप्रेन्योर कहलाया जाएगा। एन एंटरप्रेन्योर पजेसेस क्रिएटिविटी, पता था भाई चार फैक्टर थे, चार बेसिक एलिमेंट थे, इनोवेशन क्रिएटिविटी रिस्क टेकिंग विजन होना चाहिए बंदे का, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों पर सारी बातें और पूरा आज का टॉपिक आपका इसी पर बेस्ड है। देन लेवल थ्री में जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सेम एंटरप्रेन्योरशिप जैसा, तो बार बार मैं एंटरप्रेन्योरशिप को याद दिलाऊंगा ताकि आपको ये ईजी लगे। विच मीन्स कंटिन्यूस लर्निंग, आपको पता है भाई एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, क्वेश्चन भी आते हैं कई बार ट्रू फॉल्स में आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यूस फंक्शन होता है या नहीं होता। तो कंटिन्यूस लर्निंग रहेगी बंदे की, हर बार कुछ नया सीखेगा, हर बार कुछ नया क्रिएट करने की सोचेगा, जो पुरानी चीज़ें होंगी उनसे बोर हो जाता है। क्वेश्चनिंग, खुद से सवाल करता है, समाज से सवाल करता है, जो चीज़ें चल रही होती हैं उन्हें वैसा नहीं चलाना चाहता, तभी तो कुछ नया पैदा होता है। एंड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, अगर आपके दिमाग में इससे कुछ बाहर चल रहा है कि सर क्या ऐसा हो सकता है, सर क्या ऐसा होना चाहिए, सर अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो गाइस आपके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर जन्म ले रहा है धीरे धीरे, मतलब थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, जो आपके पास दिया है, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप उससे बियॉन्ड सोच रहे हो, उससे एक्स्ट्रा सोच रहे हो, दैट इज योर क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है गाइस, सबसे मज़ेदार सबसे दमदार बात क्या होती है, जस्ट लाइक आपको पता है पेटीएम एक एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की एक्टिविटी जब ये आया था तो इतना प्रचलन में नहीं था, इन्होंने रिस्क टेकिंग किया, इंडिया में अपना नाम बड़ी मुश्किल से बनाया, नोटबंदी ने इन्हें बहुत हेल्प करी, लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया, मल्टीपल एड्स चलाए, कैशबैक ऑफर चलाए और आज पेटीएम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वेंचर हो चुका है। तो इनके जो भी ओनर रहे होंगे उन्होंने दिन पर दिन मेहनत करी होगी और आगे इसको आज तक वो बिजनेस जोड़ रहे हैं। आप देखो पेटीएम मॉल है, एयर फ्लाइट टिकट्स कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर लो, टेलीफोन बिल्स भर लो एंड ए नंबर ऑफ थिंग्स
चीज़ें ऐड होती ही जा रही हैं, तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर एफर्ट्स एंड इनकम इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर। मतलब वही वाली बात है, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत सालों सदियों पुरानी, कि सर बिजनेस को आप जितना समय दोगे उतना प्रॉफिट घर ले जाओगे। मतलब दुकान जितना देर तक खुलेगी ऐसा बोला जाता है, उतनी देर तक दुकानदारी चलेगी और दुकानदारी जितनी देर तक चलेगी प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड इनकम इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर। मतलब जितने एफर्ट्स डालोगे एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी आपकी उतनी स्ट्रांग होगी और आपके उतनी ज़्यादा इनकम होगी। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने रेड मार्क जो जो किया हुआ है गाइज, वो क्वेश्चंस कई बार आते हैं इसलिए मैंने उनको रेड मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन के तरीके मैं आपको यहाँ बता दूंगा और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको जल्द से जल्द जैसे ये वीडियोज कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट जो वर्ड है गाइज, इस पर नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है, उसका रीजन क्या है गाइज, क्योंकि रट्टा वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें बता दो तो ये जर्मन ने दिया था, फ्रेंच ने दिया था, किसने दिया था ये वर्ड। तो गाइज इट इज़ ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स वन हु अंडरटेक्स एन एंडेवर। मतलब ये वो पर्सन होता है जो एफर्ट्स क्रिएट करता, प्रयास करता रहता, कोशिश करता रहता है हर बार कुछ नया क्रिएट करने की, रिस्क टेकर होता है ये। ये फ्रेंच वर्ड से आया था जिसका मतलब होता, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसका वर्ड है, तो क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंच, जर्मन, इटली, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेंच पर टिक करके आना है। इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब था वन हु अंडरटेक्स एन एंडेवर, ये भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो चार पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे, जिस पर हमने 5 मिनट करीब ले लिए, बाकी के 5-5 मिनट हम लेंगे जितने भी लेंगे। यहां तक आपको क्या क्या समझ में आया, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी संभालता है, ठीक है सर। दूसरी बात, ये क्रिएटिव होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई थी, मैंने बोला बच्चे के अंदर आइडिया आया है, ही इज ए क्रिएटिव, बट इनोवेटिव इनोवेशन कब उसके अंदर पैदा होगा, जब वो अपने आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेगा, पैसा बनाना सीख जाएगा और वो समाज में नाम रिकॉग्निशन हासिल करना शुरू कर देगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है गाइज एफर्ट्स एंड इनकम में, मोर एफर्ट्स, तू कहते ना जितना तू बोएगा उतना तू खाएगा टाइप, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा टाइप। तो एफर्ट्स एंड इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट समझ लो जितना तू बोएगा उतना तू खाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके लिए कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी। इस कन्फ्यूजन कैसे, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में आपको शायद 3 चीज़ पढ़ाई थी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस और मेरिट्स। मतलब वहाँ की चीज़ें फिर भी स्ट्रांगली समझ में आ रही थी, एक दो चीज़ें ऐसी लग रही थी सर ये वर्ड वाइज तो लग रहा है एंटरप्रेन्योर है, बट हमें ऐसे पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप की तरह है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो वहाँ से उठ के आएंगी आपके लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि गाइज ये जो वर्ड्स बोलेगा ना, ट्रेड्स ऑब्लिक क्वालिटीज, ये स्कैनर के वर्ड्स हैं, ये बुक के वर्ड है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए आपको ये पॉइंट समझने हैं, याद से कर लेने हैं, 3 से 4 बार रिवाइज करने हैं नोट्स को आपके ये क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना हो पाए। बात समझना, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको ये फीचर जैसा फील देगा और नेक्स्ट कहानी है कैरेक्टरिस्टिक्स की, भैया जब यहाँ फीचर्स है तो ये क्या है, इसको आप ऐसे समझना, क्वालिटी समझते हो आप, क्वालिटीज वर्ड से आप फोकस हो। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि सर हम में सीएस बनने की क्वालिटी है या नहीं, सर हम में सीए बनने की क्वालिटी है नहीं, सर हम में डॉक्टर बनने की क्वालिटी है या नहीं, तो आपके अंदर की मैं चीज़ें चेक करूँगा कि आप कितना लर्निंग प्रोसेस है, आपको कितनी नॉलेज है साइंस के बारे में, आपको कितनी नॉलेज है इकोनॉमी के बारे में, तो आपके अंदर वो क्वालिटी झलकेगी, आप वो बनोगे। तो इसी तरीके से क्वालिटी झलकती, मतलब इंटरनल बंदे के अंदर क्या इनहेरेंट चीज़ें छुपी हुई हैं जिसकी वजह से वो बन सकता है, और जब वो बन जाएगा तो वही उसका फीचर कहलाएगा नहीं कहलाएगा। मतलब ये क्वालिटीज इसको बताएंगे ये एंटरप्रेन्योर है या नहीं, ही ओन्स हिज एंटरप्राइज, उसे अपनी एंटरप्राइज चलानी पड़ेगी, वो मालिक होगा, तो वो लीडरशिप जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। मैंने बताया ना 4 चीज़ें होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और आपकी विजन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होनी चाहिए और क्रिएटिव इनोवेशन तो आपके लिए होना ही। तो गाइज यहाँ जितनी सी बातें सब वहाँ वाली हैं, बस एक बार फास्टली पढ़ते हैं, ही ओन्स हिज एंटरप्राइज, इस पर क्वेश्चन आते हैं, उसको अपनी एंटरप्राइज को ओन करना, मतलब सर बिजनेसमैन जैसा फील करा रहे हो ना आप, इसलिए तो हमें बिजनेस जैसी लगती है, बट बेटा एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, विजन, रिस्क टेकिंग, कुछ चीज़ें बिजनेस से जुड़ी होती है, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कम इन टू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। वहाँ तो पहली बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। ही पजेस अ सेंस ऑफ लीडरशिप, मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जस्ट लाइक मोदी जी, जैसा वो बोल दे वैसा दूसरों को लगे कि ये जो बंदा बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें वैसा ही फॉलो करना चाहिए। मतलब लीडर बंदा वो होता है जो लीड करे टीम को, और टीम अगर लीड सही तरीके से तभी होगी जब टीम को आप पर भरोसा होगा।
मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, याद है ना ऑर्गेनाइजेशन स्किल, वहीं से टुकड़े छोटे 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 टुकड़े उठ कर आ रहे हैं। ही पजेसेस अ सेंस ऑफ लीडरशिप, ही इज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, नहीं बताते तो भी पता था रहे हमें, ही इज फ्यूचर ओरिएंटेड। जैसे आपको पता है पेटीएम ऐप जो है, शायद एग्जैक्टली मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, बट 2009 या 2010 की पैदाइश है, और उसको जो रिकॉग्निशन मिला फास्ट वो 2015-16 में जाके मिला था, समझ रहे हो। तो फ्यूचर ओरिएंटेड जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब एकदम से नहीं चल जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेजन ने जब शुरू किया था तब इतना बिजनेस नहीं उनका ग्रो हो गया था, शॉपक्लूज जब आया था तब इतना प्रचलन में नहीं था, बट एक समय आता है कल के बारे में सोचते, कल लोगों को क्या क्या दिक्कतें होने वाली है, उस बेसिस पर हम एक ऐसा बिजनेस बना दें जो हमारे वर्किंग करें। मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूंगा जब मैं आई कॉन्टैक्ट में आऊँगा, तो आपको ये सब्जेक्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार लगने लगेगा। ही इज़ इंडिपेंडेंट, यार पता है जब बंदा अपनी एंटरप्राइज खुद चला रहा है, उसके डिसीजन खुद के होंगे, लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, तो इंडिपेंडेंट तो होगा, वो किसी से जुड़ेगा। सबसे बड़ी क्वालिटी, इस पर सबसे बार क्वेश्चन आया है, बेटा एंटरप्रेन्योर जन्म ही क्यों लेता है? सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमने कल पढ़ा था सर, वो सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके सेल्फ एस्टीमेट एस्टीम होता है, वो सर रिकॉग्नाइजेशन चाहता है सर, पहचान होती है उसकी समाज में एक अलग, जस्ट लाइक संदीप महेश्वरी आपने एग्जांपल दिया था, जस्ट लाइक विवेक बिंद्रा जी। तो गाइस डिससेटिस्फाइड विद द रूटीन एक्टिविटी, जो वो डेली जाके शॉप खोले, डेली जाके उस दिन कुछ नया, क्योंकि बोला था ना अभी देखो यहाँ पढ़ा था, कंटिन्यूस लर्निंग रहती है, हर दिन कुछ नया सीखो ताकि कुछ नया क्रिएट कर सको। रूटीन एक्टिविटी से डिससेटिस्फाइड, नॉर्मल वे जिंदगी नहीं जीना चाहता वो। सबसे बड़ी बात जिस पर कई बार क्वेश्चन आता है, मैंने रेड मार्क किया, एबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, ये वही चीज़ है जिसने क्रिएटिविटी और इनोवेशन में थोड़ा सा फर्क ला दिया। आप पे एक आइडिया है, दैट इज अ क्रिएटिविटी, बट आप उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज अ इनोवेशन। ही टेक्स रिस्क टू अचीव गोल्स, पता है रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है। सारी बातों में बेटा आपको दो बातें याद रखनी है, डिससेटिस्फाइड विद द रूटीन एक्टिविटी, आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, बाकी सारी बातें आप कर लोगे, सिर्फ एक दो बार रीडिंग की जरूरत है। सारी बातें एंटरप्रेन्योरशिप से उठ गई, बढ़िया क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फीचर में मत डाल देना, फीचर बहुत सारे हैं इसके, फीचर समझते समय हम एक बार दिमाग से बातें करेंगे उन चार फैक्टर की, अगर वो आपको क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। पहला विजन, रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, और चौथा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। गाइस बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैं बात करूंगा विजन की, विजन की और क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशन। गाइस इन दोनों चीज़ों के लिए आपके पास दिमाग की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं चाहिए। आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाओ लोगों से, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपके पास मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक पागल इंसान है, अगर आप एक सुस्त इंसान है, अगर आप एक आलसी हैं, आपका दिमाग उतना ही चलता है जितना कोई इंस्ट्रक्ट करता है, जस्ट लाइक रोबोट। मतलब रोबोट बनाने वाला इंसान ज़्यादा, आप बनना है आपको रोबोट नहीं बनना है, समझ रहे हो। मेंटल एबिलिटी, आपके अंदर मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, मस्ट हैव क्रिएटिव थिंकिंग एंड एबिलिटी टू एंटिसिपेट चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, मतलब जब जब दिक्कतें आएंगी, जस्ट लाइक अभी दिक्कत चल रही है, जब जब दिक्कतें आएंगी तो आपके पास एक्स्ट्रा क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि आप उससे कैसे ओवरकम करते हो। तो मेंटल एबिलिटी मतलब जस्ट लाइक वर्ड्स दे सकते हो आप IQ, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको रोबोट नहीं बनना, आपको चिट्टी नहीं बनना, आपको डॉक्टर वशीकरण टाइप बनना है, तब आप एक एंटरप्रेन्योर जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हो। मतलब सर ये तो क्वालिटीज जैसा लग रहा है, हाँ बेटा यहाँ पर जैसा लिखा है बस आपको वैसा याद करना है, ये दोनों तीनों चीज़ें एक दूसरे जैसी लगेंगी आपको। रीज़न क्या है, पूरा एंटरप्रेन्योर आपके सामने खोल के रख दिया, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की दूसरी दुकान है। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस सीक्रेसी। अगर आप अपने आइडियाज ही किसी और को बता दोगे यार, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाएगा कल। तो आपको अपने सीक्रेट्स शुड गार्ड हिज बिजनेस सीक्रेट, गार्ड मतलब बचा कर रखने चाहिए, ठीक है। दूसरे सीक्रेट्स लीक ना हो जाए, लीक हो गए तो खेल खत्म हो जाएगा। ह्यूमन रिलेशन होता है, कल हमने पढ़ा था भाई एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा कॉन्टेक्ट बना लोगे आप, जितना ज़्यादा आपका वो क्या बोलते हैं ऑरा क्रिएट कर लोगे, मतलब एक बड़े पैमाने पर अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लोगे, रिलेशंस अच्छे रखोगे कस्टमर से, इन्वेस्टर से, एम्प्लॉय से, उतना ज़्यादा आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर माने जाओगे। शुड मेंटेन गुड रिलेशन विद द, तो आपको स्पेशली याद क्या रखना है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेंटल एबिलिटी होती है, बिजनेस सीक्रेसी होती है, ह्यूमन रिलेशन होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, विजन, यार याद है ना विजन, विजन अभी मैंने बोला था ना, मतलब विजन को करने के लिए और आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, इसी तरीके से विजन होने के लिए आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, आप चाह क्या रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो, इसी तरीके से होता है करना क्या चाहते हो, ठीक है दोस्त, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल का छोटा भाई है कम्युनिकेशन स्किल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल आएगी धीरे धीरे, लीडरशिप यहाँ आ गई, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ आ गई। जिन बच्चों ने 12th में बिजनेस स्टडी ढंग से पढ़ाया, डायरेक्टिंग वाला चैप्टर, उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ के छोटे 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 टुकड़े आ रहे हैं।
भाई जितनी बात क्लियर है, मैंने आपको तीन चीज़ें पढ़ाई, सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने ये इंट्रोडक्शन, फिर इसको थोड़ा थोड़ा कम कम समय दिया है क्योंकि ये इसी के छोटे छोटे भाई थे, दूसरा ये एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स पर डिपेंड थे, और आपके लिए आगे जाके रिवीजन वीडियोस भी आ सकते हैं, वैसे यही रिवीजन के काम कर रहे हैं बट समय रहा तो वो भी आएंगे, और आपको स्पेशल 20 पॉइंट्स जल्द से जल्द मिल जाएंगे और क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो गाइज एडवांटेजेस क्या होंगे यार, एडवांटेजेस उसके सोचना एक मिनट कैसे थे, एक मिनट के लिए सोचो सर, एंटरप्रेन्योरशिप में एक दो एडवांटेजेस ऐसे लग रहे थे जो एंटरप्रेन्योर के थे, वही वाली बात है भाई। इस एडवांटेजेस क्या होंगे, अगर आप मान लो ये बंदा जॉब करना चाहता था पर नहीं लगी, ठीक है, करता तो 50,000 सैलरी होती और इसको अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते, भले ही अपने बॉस से ज़्यादा जानता है, बट ये एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेंगे, मोर एफर्ट्स मोर रिवॉर्ड, समझ रहे हो, सारी बातें यहाँ से उठा के ला रहा हूँ, वो चाहेगा वो करेगा जो ये चाहता है, तो उसी तरीके से रिकॉग्निशन इसकी होगी, इसके बॉस की नहीं होगी, कि एंटरप्रेन्योर है ये, डज व्हाट ही लव्स एंड डज वर्क विद पैशन टू सक्सीड, जो ये चाहता है, जिसको ये प्यार करता है, काम की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको ये काम प्यार करता है ये वही काम करेगा, उस काम में बहुत सक्सेस पाएगा, प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन, एडवांटेज होती है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योरशिप की छापी है एक तरीके से बस उस पर्सन के लिए, मोर एफर्ट्स मोर रिवॉर्ड्स, ही इज हिज ओन बॉस, अपना बॉस खुद होता है, बिकॉज इंडिपेंडेंट फीलिंग होती है, गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हमेशा खुश रहता है क्योंकि वो जो ये चाहता है काम करना वही ये करता है, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, सब पुराने पॉइंट से, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब भाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही दे दिया तो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या लिखने की जरूरत थी, कैन ब्रिंग मैनी इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं गाइस, अभी नेक्स्ट टॉपिक आप एंटरप्रेन्योर पढ़ोगे तब भी ये पॉइंट आएगा, बट कैसे आएगा, एज ए एम्प्लॉय की तरह। तो गाइस यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है, मैं एक बार फास्टली पढ़ाता हूँ कि आपको इनको अलग अलग कैसे सोचना है। सबसे पहले आप इनमें से जो याद करोगे वो याद करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस कितनी तरीके की है, पाँच है सिर्फ, और पाँच का एक छोटा सा मैंने शॉर्टकट बनाया, जरूरत तो नहीं है यहाँ पर बट फिर भी मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बना दिया ताकि आप कोई कन्फ्यूज ना करें, शॉर्टकट है जैसे वो केमिकल फॉर्मूला होता है ना C2HSO4, इस तरीके से छोटा सा शॉर्टकट बनाया है C2MBH, ठीक है, NDH की जगह MBH कर दिया C2MBH, C2MBH का मतलब क्या है, C फॉर क्लियर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब ये दोनों चीज़ें भाई होती हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बंदे का और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले आपको किस पर लड़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, क्योंकि कम है ये चट गई तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं करेगी, ये सेंटेंस फॉर्म में है और ये पॉइंट्स फॉर्म में। C2MBH का मतलब क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, क्लियर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, क्लियर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, C फॉर क्लियर ऑब्जेक्टिव, C फॉर कम्युनिकेशन स्किल, MBH मीन्स मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, ह्यूमन रिलेशन, अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है, आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाते हो, क्रिएटिव हो, तो अपने सीक्रेट्स किसी को बताओगे क्या, जब सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओगे तो ह्यूमन रिलेशन अच्छे होंगे, क्लियर है कहानी, C2MBH, तो आपका ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। नेक्स्ट चीज़ है गाइस आपकी ट्रेट्स क्वालिटीज़ में क्या करना है आपको, वो चीज़ें याद करनी है जो उसके अंदर झलकती हैं, इनोवेटिव होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सर यहाँ में और यहाँ में फ़र्क बताओ हमें क्या है, तो गाइस आपके पास ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, यहाँ की तीन चीज़ें लिख देंगे, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है डिससेटिस्फाइड विद द रूटीन एक्टिविटी, वो यहाँ नहीं है, या फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मतलब यहाँ कैसे पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है या एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, आइडिया को अपॉर्चुनिटी बदल देता है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ लिखा है मोर एफर्ट्स मोर रिवॉर्ड्स, तो भाई इस टाइप से आप ये कंप्लीट कर लेना, पार्ट टू हमारा कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपको सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, रिवीजन वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाऊँ, तब तक सबसे पहले हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, और दूसरी बात स्पेशल 20 जिस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आज से ही अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, बी हैप्पी ऑलवेज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबाते हुए हमारे साथ जुड़े रहना इस तरीके से।